हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 18 और 24 का। ठीक है, तो हम एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो लीस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पहले 2 लेके देखेंगे, 2 हम यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं। यस, ले सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स मतलब दोनों, ठीक है। लास्ट नंबर चेक करें तो दोनों का इवन है, 8 और 4 है, तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 18 आता है, यस 9000। 2 के टेबल में 24 आता है, 12000। अब 9 है, 12 है, तो हम यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे। क्यों? 2 के टेबल में तो 9 नहीं आ रहा, लेकिन 2 के टेबल में 12 तो आता है। इन दोनों में से एक नंबर भी 2 में आ रहा है, तो आप यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 का 9 वैसे उतार लें। 2 के टेबल में 12 आता है, 6000। अब यहाँ पे 9 है, 6 है, तो हम यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं ना, क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा, उसको वैसे उतार लें। 2 के टेबल में 6 आता है, 3000। अब यहाँ पे फिर से 2 ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखिए 2 के टेबल में 9 भी नहीं आता, 3 भी नहीं आता। इसका क्या मतलब है? 2 नहीं लेंगे। फिर 2 से नेक्स्ट नंबर है 3, तो 3 ले लेंगे। यस, 3 के टेबल में 9 आता है, 3000। 3 के टेबल में 3 आता है, 1000। अब 3 और 1 है, तो यहाँ पे फिर से 3 ले लेंगे, 1000 और 1 का 1। तो एलसीएम के लिए सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो देखें, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 24 3 क्या आ जाएगा, 4 3 12, 1 carry 3 2 6 7, तो क्या आ जाएगा, 72। ठीक है, तो हमारे पास 18 और 24 का एलसीएम क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।